भाई उन्होंने किया था जी, मुझसे करवाया मैंने, मुझे तो आता नहीं था, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं। सर आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चेयर टू एक्सेप्ट टू एडमिट दिस एडजर्नमेंट मोशन which is regarding the excessive use and sale of antibiotic at medical stores causing life threats at general public. Sir, regarding the admissibility, sir, rule 87 के तहत आप मुझे सिर्फ दो चार मिनट सिर्फ जरूर दीजिएगा, मैं कुछ चीजें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ सर, कि ये जो मामला है ये नहायत ही अहमियत का हामिल है, और ये जो मेरी तहरीक इल्तवा है सर, मेरी गुजारिश होगी सर कि इसको इस तरह से देखा जाए कि क्या यह वाकई में ही पूरी कौम के लिए है, हमारे जो जनरेशन अगले बच्चे आ रहे हैं सर उनके लिए है, या सिर्फ और सिर्फ माजरत के साथ जो हमारा सेक्रेटेरिएट है उनका मतलब इस पे शायद ऑब्जर्वेशन ये हो कि ये एक अपना डिवॉल्व सब्जेक्ट है और एक को इसकी नेचर सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर कि ये मामला अर्जेंट नेचर का कैसे है सर, सबसे पहली चीज, और ये क्यों अर्जेंट नेचर का है सर, ये वो मामला है कि जिसमें हम देख रहे हैं सर चंद माह में ही, पिछले चंद माह में इस्लामाबाद में खास तौर पर और ओवरऑल अगर हम हर तरफ देखते हैं तो इस तरह के एंटीबायोटिक्स आ गए हैं जो लोगों को बहुत धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। अब सर होता क्या है जब हम उन एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं सर, तो कुव्वत मुदाफ़त जो है, जो हमारी रेजिस्टेंस पावर है, वो खत्म होती जाती है सर, और बिलखसूस बच्चों को। मेरी जो गुजारिश है सर वो है कि हम इस मामले को यहाँ पर डिस्कस करें, कलेक्टिव हाउस का विजन सामने आए, हम अगर इस पर कोई लेजिस्लेशन कर सकते हैं वो करें, ताकि आने वाले वक्त में हम इसको रोक सकें। अब सर बात आती है, चूंकि कहा जाता है जब भी मैं हेल्थ की बात करूं कि ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, बड़ी अच्छी बात है सर, हमारे बड़ों ने बहुत अच्छा किया सर जो ये डिवॉल्व किया, लेकिन माजरत के साथ सर जो सोच थी उस वक्त की, बिलखसूस मैं अप्रिशिएट करूंगा सर एफर्ट्स हमारे चेयरमैन रजा रब्बानी साहब ने जितने इस पे एफर्ट किए डिवॉल्व सब्जेक्ट के लिए, 18th अमेंडमेंट के लिए, लेकिन सर जो रिजल्ट्स हैं उनका जो विजन था, उनका जो सोच था, उसके मुताबिक कतई तौर पर रिजल्ट नहीं आए। हो क्या रहा है सर, मैं बाकी मिनिस्ट्रीज की बात बाद में करूंगा हेल्थ के लिए, कि कहने को डिवॉल्व सब्जेक्ट है लेकिन वो जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो ही नहीं रही। अब सर इसमें अगर कोई अमेंडमेंट चाहिए, कोई लेजिस्लेशन की जरूरत है, कोई प्रपोजल हो, कोई इसको ऊपर से बैठकर देखा जाए, कोई कलेक्टिव विजन में हम यहाँ बैठकर इसका हल निकालें सर, अगर हम हल नहीं निकालेंगे तो फिर आने वाले वक्त में सर हमारी कौम जो है वो उसमें मरीज जो है वो बढ़ते जाएंगे और उनकी जो एक रेजिस्टेंस पावर है वो कम से कम होती जाएगी। आखिरी जुमला सर मैं ये कहूंगा, जब हम मिनिस्ट्री के नाम को ही देखते हैं सर, ये जो नाम रखा गया ये विजन थी उस वक्त के लोगों की जो आज सामने आ रही है कि ये मिनिस्ट्री है सर हेल्थ रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं है, इसका काम रेगुलेट करना भी है जो कि पूरे मुल्क में रेगुलेट करेगी, और इसका काम कोऑर्डिनेशन भी करना है क्योंकि पॉलिसी जो है वो यहाँ फेडरल से ही जाएगी। इसलिए सर मेरी गुजारिश है अगर आप इसको एडमिट करें तमाम हाउस में, मैं कहूंगा बल्कि तैयारी सब लोग करके आए कि आखिर ये जो इंडस्ट्री है ये अपना, ये जो मेडिकल के लोग हैं, जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये कमाते हुए कहाँ तक जा रहे हैं, ये अगर इस तरह की। और सर अब एक नया मामला आ गया जिसको ये OTC कहते हैं, उसमें एंटीबायोटिक को लाकर कोई प्राइस रेगुलेशन उसमें नहीं है, तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है सर कि इस पर अगर आप इसको एडमिट करें। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक दिस इज अ इम्पोर्टेंट इशू। अतीक साहब अगर आप मुनासिब समझें कि इसको 218 में अगर आप ले आएं, जी नहीं अगर आप चाहते हैं इसको करना तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन सर, आप 218 में, लेकिन सर फिर आप इसको अभी आपकी डिस्क्रिशन है ऑर्डर कर दें कि इसको 218 कंसिडर करके अगले उसमें लाया जाए सर, अदरवाइज सर अगर मैं ड्रॉ में जाऊंगा तो फिर सर ये मुझे मतलब है ना नहीं मिलेगा सर, मैं ड्रॉ में अगर चीजों को मैं सर रूल पढ़कर सारी चीजें समझकर मशवरा कर
फिर सर ये चीजें लेकर आता हूं। मुझे पहले ही मालूम था कि ये ऐसा ही होगा, पहले भी तीन साल सर मेरे साथ यही था कि जी इसको 218 में ले आए। सर 218 में 36 चीजों में ड्रॉ करना है, तो इंपॉर्टेंट जो होगा वो किधर जाएगा सर? तो ये दिस इज आई पर्सनली फील, चूंकि सर एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेयर है, एंड यू आर द चेयर राइट नाउ। इफ यू रियली एक्सेप्ट दिस थिंग कि दिस इज अ कॉज ऑफ नेशनल नेचर, तो सर इसके ऊपर आपका इख्तियार है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। सेनेटर हारून अख्तर। सर मैं ऑनरेबल सेनेटर को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ, सेकेंड करता हूँ। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मेरे ख्याल इतनी बेदर्दी से होता है कि दुनिया में कहीं नहीं है।